रोडीज 8 के ऑडिशंस खत्म हो चुके हैं। और 13 सिलेक्टेड रोडीज निकल पड़े हैं शॉर्टकट टू हेल पे। ये शॉर्टकट इन्हें ले जाएगा कई शॉकिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से। और ये सफर शुरू होता है इसी वक्त बेंगलुरु से। मेरा नाम मोहित है, मैं लुधियाना से हूँ। माय एज इज 20। तू स्टड है ना? नो सर। तू कह रहा है मोहित स्टड? मोहित पुशअप मार सकता है? पच्चीस करेगा, मैं कह रहा हूँ, मैंने शर्त लगाई है। गिव मी 5 मोर नाउ। मैं रोडीज में एक एक्सपीरियंस लाइफ का कलेक्ट करने आया हूँ। इन द फुल सेंस ऑफ द वर्ड लगा दे मेरी। गुड। जोश तो बुरा। मजे आ रहे हैं ना? हाँ सर। तेरे को ना एक रोडीज की दूर से एक छोटी सी झलक दी हमने। मैं अवतार निश्चल, 26 साल का हूँ और पंजाब की एक सिटी अमृतसर से आया हूँ। दादा है तू? नहीं भैया। Let's see how tough you are now. नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, और कॉन्फिडेंट हूँ। मैं और कॉन्फिडेंट हूँ। नहीं भैया, मैं और कॉन्फिडेंट हूँ। मैं रोडीज में आया हूँ, जो चीज मेरे पास है वो मेरा दिमाग है। लेकिन जो दिमाग मैं लेके आया हूँ ना, उससे मैं उठेड़ सकता हूँ। एक बार देखेगी ना जब दुनिया, तो हिल जाएगी। मैं इनसे बड़ा। ये है कि भैया इसका प्राइड ये है कि मैं गेम खेल सकता हूँ, मेरे से कोई गेम नहीं खेल सकता। हाय, आई एम सुचित विक्रम सिंह, आई एम फ्रॉम हिसार, हरियाणा। ऐसे बात करता है तू? पागल है क्या? तो प्रॉब्लम है सर। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम लगा रखी है तूने। एक्सक्यूजेस? तू अकेला है क्या? तेरे तू ही है बस एक बुली हुआ जो। According to you, if you think I'm wrong, if you think, look at yourself, pathetic. मुझे तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। Say. मुझे तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। I like myself. To all. जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया और जो मेरी एंडिंग करवाई, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो दी उन्होंने, वो शायद पूरी रोडीज में जाएगी नहीं मेरे से। मेरे अंदर वो बैठ गई है और हमेशा रहेगी। पूरे रास्ते में बस ये था कब बैंगलोर पहुंचेंगे, कब बैंगलोर पहुंचेंगे। फाइनली वी आर हियर। Hi, my name is Anamika. मैं चंडीगढ़ से हूँ। I have a challenge for you. अगर आप कर सकते हो तो good. अगर आप नहीं कर सकते तो आपको मेरा गाना endure करना पड़ेगा। क्या करोगे आप? Can you like do this? Fine, गाने सुनने के लिए। तुम दिल की हर एक बात से क्यों इतनी हो बेदार? तुम प्यार के। I'll tell you something. एक actually एक लांचा ने मेरे ऊपर मेरी बेइज्जती है, पर मैंने लिखा है surprisingly smart for roadies. अब मैं roadies में आ गई हूँ, तो next step logical यही है कि अब जीतने के लिए खेलना है। मेरा नाम राहुल चौरान है, मैं पांडवा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ। राहुल तेरे को रोडीज में आना है? पक्का आना तुम से? पक्का पक्का आना है। जब से तू आया ना, तू से मेरे को फोर्स कर रहा है तेरे को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। बोलियो, तू रोडीज में आया था, किस तरह से इसको निकाला गया है? मेरा रोडीज में आने का सबसे बड़ा मकसद तो था कि अगर जीत जाऊँ तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे।
मैं यहाँ से तेरी तरफ चलना शुरू हुआ ना तो बाल से घसीटूंगा, समझ गया? मेरे को जरूरी है कि अब कोई भी सिचुएशन आ जाए बंदा रिएक्टिव है कि नहीं, ये रिएक्टिव नहीं है, बट विल अदर्स रिएक्ट टू हिम पॉसिबल। My name is Vibhor Sharma. I am from Delhi and my age is 19 years. Vibhor, aap Rudy's battleground jeet. Tum Rudy's 8 ke pehle Rudy. Congratulations. Give me 5. Come here. Vibhor Sharma ek unexpected cheez hai jo kabhi bhi kuch bhi karke dikha sakta hai. Jo bhi situation ho usko palat sakta hai, usko badal sakta hai. I'm a Rudy! Yes! मेरा नाम आसिफ खुराना है और मैं दिल्ली की हूँ। ऐसा आपको क्यों लगता है आपके हर जवाब में सिर्फ एक ही चीज है कि मेरे को लड़कों को दिखाना है, खासकर अपने फैमिली के लड़कों को, कि मैं उनसे कम नहीं हूँ हर चीज में, चाहे सवाल कुछ भी हो। रियलिटी होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इनको दिखाना कि लड़कों से ज्यादा कर सकती हैं लड़कियां। यहाँ पे आके जब हम सारे बैठे तो कोई हरियाणा से था, कोई चंडीगढ़ से था, कोई दिल्ली से, हम लोग थे, मतलब सबको देख के अजीब सा लग रहा था कि ये कैसे से लोग हैं, इनके साथ कैसे सर्वाइव हुआ, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं था, सब बहुत अजीब से लोग थे। मेरा नाम रिने ध्यानी है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप नोएडा की हूँ। रिने, आपने देखा ना शो, आपको पता बड़े बड़े बिल्कुल कैसे हैंडल करेंगे आप उन्हें? उसके जब तक मेरे साथ सामने वाला अच्छा है मैं उसके साथ सही रहूंगी, लेकिन हाँ जहाँ ये बात आएगी कि मुझे चूज करना है तो मैं अपने आप को ही चूज करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे उसकी माँ बहन भाई बाप जो भी करना है वो मैं करूँगी। ये सोच के रोडीज में आई हूँ कि काफी रियल हूँ लाइफ में, काफी ब्लंट हूँ लाइफ में। फाइनली एक दिल्ली वाली स्पार्क। हम घर छोड़ के गए, हमारे स्टेशन चले गए गुस्से में, वहाँ पे दो ही तरफ ट्रेन जाती है, एक जाती है हैदराबाद, एक जाती है बम्बई। हमारा नाम सूरज है, हम जालना से हैं। सेलेक्ट होने के बाद और अब तक हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव ऐसा है कि बस सारी चीज़ें अपने आप होते जा रही है, पता नहीं चल रहा है, इतनी जल्दी हो रहा है सब कुछ और हम विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। जितने लोगों से आज मैं आज तक मिला हूँ ना रोडीज में, सबसे अलग है, सबसे अलग है, वन रीजन। इसका पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ पे अलग हुआ, इसका रिएक्शन देखना बहुत ही ऑसम है। दूसरे रोडी से बस यही कहेंगे कि हम जैसे हैं आपके साथ, बस आप भी वैसे ही हमारे साथ रहिएगा, अगर हमसे उलझोगे तो आप पछताना पड़ेगा। इतना जिद नहीं था मुझे, 6 बार मैंने जिद की पर हमेशा ये सोचा कि अगली बार, इस बार मेरे को अगली बार कहीं नहीं सोचा। 6 साल में क्यों नहीं हुई, इस बार क्यों हुई तेरे हिसाब से? अपना 100% बोलेंगे, मैं 500% दूंगा। अगर मैं मुंह से चू बोल दूं ना तो कुत्ते की औलाद। मेरा नाम देव है और मैं जयपुर से हूँ। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, मैं यहाँ आया हूँ जीतने के लिए और जीत के ही जाऊंगा, ये मेरी जिद है।
इसका जुनून यही है, ये इज्जत पे लेके बैठ गया, कह रहा है मुझ पे बात आ गई है मेरी कि मेरे को बनना है। एक बार ये शो पे आ गया ना, उसकी वो प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद क्या। रोडी का टाइटल खुद अकेला लेके जाऊंगा, बाकी लोगों को बाय बाय करके। मुझे लगा कि अब आएगा मजा, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं कोई एक सरदार एंट्री मारे। लुक, मेरे पास दिमाग है। नो, इट्स नॉट फनी, मेरे पास दिमाग है। मुझे समझ में नहीं आता है कि व्हाई एवरी प्रिटी गर्ल इज कंसिडर्ड डम। मेरा नाम प्राची अग्रवाल है, मैं 21 साल की हूँ एंड आई कम फ्रॉम द सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। देयर इज अ रीजन व्हाई यू सैट डाउन एंड यू सेड आई हैव ब्रेन्स, आई हैव ब्रेन्स, आई हैव ब्रेन। द रीजन इज दैट यू फेल्ट वी थॉट यू वर डम। आई विल टेल यू द फैक्ट, यू आर मैनिपुलेटिव। या यू आर राइट, अगर सिचुएशन डिमांड करता है तो मैं थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकती हूँ। रोडी से मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि मैं लोगों के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करके अपनी जगह बना सकूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए ये बेस्ट होगा। टू प्ले द गेम ऑफ रोडीज यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। मैं पूजा बनर्जी हूँ और रोडी में मैं ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू बी द विनर एंड आई रियली वॉन्ट टू स्टे टू द एंड। कई लोग सर्वाइव करने के लिए झूठ बोलते हैं। अगर आपको मैं जरूरत महसूस हुई आप बोलेंगे झूठ? नहीं, आपको जीतने से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ रोडीज में आना है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा रिस्पेक्ट मैटर करता है, तुम कैसे प्रोजेक्ट करते हो वो मैटर करता है। You're fame crazy. No. Why do you have to be on camera facing challenges? मेरा नाम चांदनी है और मैं अहमदाबाद से हूँ। आप एक fame crazy, talentless, stupid, गवार गधी कहीं की लड़की हो तुम। सर वो आपको लग रहा है मैं अभी भी बोलूंगी आपसे, मैं ऐसी हूँ ही नहीं। I am brutally honest और मैं एक straight forward किस्म की इंसान हूँ। चांदनी, face challenges, face them. कुछ भी हो सकता है, ये इतनी बेवकूफ है कि एकदम ये सबके नाक में दम कर दे। कोई आ गया। जब मैं आई यहाँ पर और मैंने सभी रोडीज को देखा, उन्हें देख के मैं अपने बारे में यही सोच रही थी कि मैं कहीं ना कहीं इन लोगों से बेटर हूँ। जब मैंने उसे देखा तो स्मार्ट तो लग रही थी, लेकिन जब पास आई तो यू नो तभी एज का पता लगा, शायद मुझसे कई साल बड़ी लग रही है, क्योंकि मुझसे 4-5 साल बड़ी है और अच्छी भी थी। मुझे था कि अब यू नो इसके साथ तो ट्राई करना चाहिए। एक एक करके काफ़ी लोग आए, जितने भी थे लग रहे थे फाड़ू हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब बत्ती गिरनी चालू की ना सबने, सबका दिमाग पता चल गया कि किसके दिमाग में क्या है, कौन कितना पानी में और कौन कितना। मैं प्राची की मेरे मेरे अंदर एक एक जील थी, एक क्यूरियोसिटी थी, मैं उस बंदी से मिलना चाहती थी। हाय प्राची, हां जल्दी बात करो। हाय रीने, लगता नहीं तू फैशनेबल। ले लो, ले लो, इसे फेंकना पड़ेगा। लग रही है? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। क्या पहना था उसने, ओ माय गॉड, सच अ लो ब्रांड गर्ल शी इज। गंदी से उसने टी शर्ट पहनी थी एंड लोकल जीन्स पहनी थी, बहुत ही ऐसा लग रहा है सरोजिनी नगर मटेरियल आ गया उठ के। व्हाट आर यू वेयरिंग बाय द वे? मैंने उसको रिप्लाई किया कपड़े, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन उस बंदी का मेरे दिमाग में गया, शी इज प्रॉपर्ली फेक। मेरे को बहुत कुछ सिखाने का मन कर रहा है, आई डोंट नो, आई गेट हीटेड विद दिस कैन ऑफ।
रेने मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत ही एरोगेंट था। उसकी पूरी एटीट्यूड ऐसी थी जैसे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, मेरा ग्रुप है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसको जो कहना कह दूँ। आई हेट दैट। चिढ़ गई है, कोई मार लेंगे। हाँ, आराम से मेरे कमरे में भेज दे। अबे मेरे कमरे में ही हम तीनों कमरा साथ लेंगे। इतनी नकली लड़की, इतनी नकली लड़की। मैं हिंदी में भी अगर बोलना चाहूँ ना इस बात को दूंगी मैं, अगर एक बार वो मुझे खुली मिल जाए। हम सब वहाँ पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे एंड सडनली वी टर्न अराउंड एंड हम लोगों ने देखा कि रणविजय आ गए हैं। बेंगलुरु में एट द कॉन्फिडेंट कैस्केड। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग 13 रोडीज जो एमटीवी हीरो एंड रोडीज 8 का सफर करेंगे। कांग्रेचुलेशंस, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस। रोडीज की हिस्ट्री में सबसे पहली बार एक ऐसा इंसान यहाँ पर है जिसने ऑडिशन नहीं दिया, बिना ऑडिशन दिए वो यहाँ तक पहुंच गया। दैट इज विभोर। विभोर नाम का एक बंदा है, बैटल ग्राउंड जीत के। अब उसके लिए मैं क्या बताऊँ, मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं उसमें। ऑल्सो रोडीज की हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसे इंसान है जो मैरिड है। आपकी शादी हो चुकी है। एकदम इट वाज लाइक वेरी सरप्राइजिंग कि 26 साल का बंदा हम यंगस्टर्स के बीच में क्या कर रहा है, जो हम 21 साल के लोग हैं। आपकी वाइफ ने क्या बोला यहाँ पे आने से पहले? यहाँ पे आने से बोला रूल्स एंड रेगुलेशंस मिले होंगे आपको? हाँ, कई लिस्ट मिली है, थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा पंगे नहीं करना नहीं तो फिर पंगे तगड़े हो जाएंगे। यहाँ पे मैं किसी बंदी के साथ ज्यादा फ्लर्टिंग फ्लोटिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरे को पता है मेरी घर पे जाके मेरी बीवी मेरे को जूते से मारेगी। रोडीज में क्या होता है ना, जो राइड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप फंस गए किसी ऐसे इंसान के साथ जो इरिटेटिंग है, जो बार बार में आपको टोक रहे हैं, तो वो जो राइड है ना, दी ओनली सेन पार्ट ऑफ दिस जर्नी, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको अगर एक एक करके मैं चॉइस दूं तो आप किसको अपने पीछे बिठाना चाहेंगे? आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे क्यूट लड़की, आपको कौन सी लड़की पसंद आ गई जो आप चाहते हैं मेरे पीछे यही बैठे? मैं उसी आंचल को कहूंगा क्योंकि उससे सबसे ज्यादा बात हुई है मेरी। रिबन छूटते ही मेरा नाम ले लिया क्या? हाँ, मैं आंचल को बिठाना पसंद करूंगा। आई वाज लाइक ओके, मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना था। व्हाट अबाउट यू? ओह, अनामिका के साथ मेरी अभी ज्यादा बात हुई है, तो एट प्रेजेंट तो अभी अनामिका ही है मेरा डिसीजन। उसको पता था कि अगर वो सबके सामने बोल देगा कि अनामिका इज माय पिलन राइडर, तो मैं मना नहीं करूंगी क्योंकि हमने पहले से डिसाइड किया था। अगर कोई किसी और लड़की को बोलता और बाय चांस वो मना कर देती तो मोहित की थोड़ी सी इंसल्ट हो जाती। देव, आपको अलाउड है लड़की को पीछे बिठाना? मैं ऐसे कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूं। किसको बिठाना चाहेंगे आप? पूजा, एक बंदी का नाम लेना था और बंदी थी ठीक है, थोड़ा अच्छी भी दिखती हो, सही हो, मैंने पूजा का नाम लिया। मैंने पूजा, मेरे दिमाग में सबसे पहले उसकी बीवी की तस्वीर आ गई। मैं बोली इसकी बीवी जब टीवी देखेगी वाट लगेगी उसकी। पूजा, मैं सूरज के अच्छी तरह से जानती हूँ उसको। बंदियों का पूरा सेट था, सेट बंदा देखा, दिमाग चलाया, ये बंदा ठीक है। चांदनी, मुझे किसी का नाम नहीं पता था और मैंने इशारा किया दिस गाय। मैं जब लड़की ने बताया कि मेरे साथ बैठना चाहती है तो मैं दिल से खुश हो गया। मैं भाई यहाँ तो आते ही लड़की तेरे पीछे बैठ के बात क्या है, चक्कर क्या हो गया? नेक्स्ट टू यू या फिर देखा कि वो सुचित को कर रही है। मैं बेटा कहाँ खुश हो रहा है, ये तो कहीं और ही गाड़ी जा रही है। अरे जाते हुए अरमान सो गए भाई, तो मैं उस टाइम उसका कट गया, मैं दावल का बेचारे का बहुत गंदा कटा। यार बड़ी हंसी आई उसमें,
अरे मेरे को तू सोच यार, अगर वो तेरे को बोल भी रही है ना तो तू खींच रही है वो। बताइए उनको अपना नाम। सुचित। सुचित। एंड यू? चांदनी। चांदनी। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया, लड़की की अच्छी पर्सनैलिटी है, मुझसे 4-5 साल बड़ी है, मैच्योर्ड है, फुली मैच्योर्ड है, हॉट भी है। चांदनी आपको सुचित की पसंद है? अभी तक जब तक हम लोगों ने बातचीत की मुझे सुचित सबसे ठीक लगा है। सॉर्टेड। या। हाँ, अच्छा लगा आपको। या। भी हर किसी का रहता है कि एक सब मस्त सी कोई हॉट सी लड़की हुई पीछे हो और बाइक हम चला रहे हो और हमारा कपल अलग ही दिखे। हर शहर में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे एक रोडीज का कैप्टन बनाया जाएगा। हम नहीं बनाएंगे, वो आप खुद बनाएंगे। कैप्टन के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे मौकों पे उसको डिसीजन लेना पड़ता है जहाँ पे उस डिसीजन का काफ़ी फर्क पड़ सकता है सबके सर्वाइवल पर। तो MTV हीरो होंडा रोडीज 8 शॉर्टकट टू हेल का पहला कैप्टन जिसको बनना है अपने हाथ खड़े करो। आप लोग बाकी कैप्टन नहीं बनना चाहते? हम में से कई लोगों ने अपना हाथ उठाया नहीं उस टाइम में कैप्टन बनने के लिए। कई तो साले थे जो देखना चाहते थे कि पहले कैप्टन बनता है तो वो क्या करता है क्या नहीं करता, प्लानिंग करके आए होंगे। कई बंदे जो थे उनमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं बिल्कुल भी। आप कैप्टन क्यों बनना चाहती? मैं चाहती हूँ कि मैं पहले सबको पढ़ लूँ। कहीं ना कहीं सबके मन में डर ये था क्योंकि वो एक प्लॉटिंग करके आए थे और दूसरे के दिमाग में क्या चीज आएगी कि भाई ये खड़ा कैसे हो गया कैप्टनशिप के लिए। आप बताइए क्यों नहीं बनना चाहती आप कैप्टन, क्या रीजन है? हाँ, काफी प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट हो चुकी है तो यू डोंट वांट टू बी इन द सेंटर ऑफ इट इन द बिगनिंग। एग्जैक्टली। अवतार देव छूटते ही किसी और का नाम लिया। ये लोगों को सामने में ही मजे ले रहा है, लोगों नीचा दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, काफ़ी साल से आ रहे हैं ना रोडीज के लिए, तो थोड़ा पहला में बन जाएंगे तो थोड़ा उनको अच्छा लगेगा। एक टोंक मारनी थी कि इनको बना दो यार, चलो दया दिखा दो, तो वो जो नीचा दिखा रहा था ना वो मेरे को बड़ा गंदा सा लगा। जैसा अभी कह रहे हैं रिस्पेक्ट है तो वो मुझे पता नहीं क्या है, इनके किसी को अभी तक इतना ज़्यादा पहचान नहीं पाए, तो अगर बोला होगा वो उनका रीज़न उन्हें पता। ना भाई, यू आर नॉट हेयर टू जज एनी वन, जिसको बनना है वो अपने आप बन जाएगा। और क्लियर बात मैं अभी भी बता रहा हूँ भाई, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत है। आप लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं, बातें कर ली आपने? हाँ बिल्कुल। आपके हिसाब से कौन एक ऐसा आदमी है जिसको देख के आपको ये लगा कि यार ये कैसे सिलेक्ट हो गया, ये रोडी कैसे बन गया? रोडी बनने की हैसियत नहीं उसकी और आपके हिसाब से वो लूजर है। मैं आप लोगों को क्यू कार्ड्स दूंगा। सूरज ये सब में बांट दो। पहले तो दिमाग में ये आ रहा था कि जिस सबके साथ जिसको वोट मिलेंगे वो कैप्टन बन सकता है, वो वोट आउट हो सकता है, या फिर वो कुछ भी, उसको कुछ भी किंग बना दो, कुछ भी बना दो। रेडी? सूरज, किसी ने आपको लूजर बोला है? ज़्यादा देर नहीं हुआ है जान एक दूसरे को मतलब मिले हुए, तो कुछ किसी का ना किसी का नाम लिखना है तो लिख दिया हमारा नाम। तो किसी और का भी लिख सकते थे, तुम्हारे क्यों लिखा? ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ सर, सारे नाम हमारे आ गए। चलो दूसरा तुम्हारा ही। मैंने सूरज को वोट किया था लूजर। ही इज एक्चुअली अ वेरी वेरी डंप एंड अ स्लो पर्सन। वो बंदा ही काफी ही लो ग्रेड बंदा है। डेंटिस्ट कौन बनना चाहता है? द गर्ल हु वांट्स टू बिकम अ डेंटिस्ट। आपका नाम नहीं पता रहा किसी को, आपका नाम भी लिख दिया यहाँ पे। ओके, जिस बंदे को नाम ही नहीं याद रहते मैं उसकी बात को बिल्कुल अनदेखा करती हूँ। राहुल। जी सर। आपको लग रहा था आपका नाम यहाँ पे आएगा? लग रहा था एक आधी लड़की लिखेगी। भाई यहाँ पे तो जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, जो डिजाइनर वियर पहनता है, कहने मोहित वाले, उसी को सारे हीरो मानते हैं, ये नहीं देखते बंदे के अंदर क्वालिटी क्या है। पॉपुलैरिटी वोट्स में जीते हुए सूरज। लूजर टैग के लिए मैंने भी सूरज के लिए वोट किया था क्योंकि सूरज बहुत ही अजीब टाइप का लगा मुझे। मुझे लगा था कि वो रोटी बनने लायक बिल्कुल नहीं है। देव। मैंने लूजर वाले में वोट किया था देव को क्योंकि उस टाइम जब वो आया था आते उसने बिल्कुल धमाल सा मचा दिया, जैसे रोडीज उसी का आते माला पहन रहा था। मैं इसका नाम लिखो सबसे पहले, मेरे को तो ये सबसे लग रहा है। ओह राहुल। मैंने राहुल के लिए वोट किया था
जब मेरे दो वोट आ गए मैं समझ गया बेटा यहाँ तू ठीक नहीं लग रहा आज, या तो फिर मैं सोचा यार ये जैकेट भी साली आज बद्दी सी लग रही है, किसी ने निकाल दिया तो तेरे को ये जैकेट डाली 350 की जो तू लेके आए जमीन ही। सूरज मनमोहन सारे भी हमारे ही नाम के रहेंगे। इनका कहना है कि हम सबसे मिक्सअप नहीं होते, अच्छी तरह से घुलते मिलते नहीं है, ये बात इन्होंने पकड़ के रखी बस। देव खुशी हो रही है आपको? हंस रहा हूँ उनके ऊपर। वो तो आप पे हंस रहे हैं। ठीक है पता लग जाएगा। किसको कह रहे हो तुम? लूजर। अपनी शक्ल देखो, बारह तुम्हारी शक्ल है वो बजे हुए, मेरी शक्ल भी नहीं बजे हुए। जो दो जिन्होंने मेरे लिए वोट किए ना, मैं माँ खत्म खा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बहुत तगड़ी वाली। सूरज हमें लगा नहीं था कि हमारे 9 नाम आ जाएंगे, मतलब 13 में से 9 नाम हमारे आ जाएंगे। मान गया, जीत गया आज तू वोटिंग। एक बात अच्छी हो गई, उसको समझ गया कि उसको चुप रहने से काम नहीं चलने वाला, उसको बोलना है आगे। तो आप लोगों ने हमें बता दिया है कि आज के कैप्टन जो चुने जाएंगे वो किन में से चुने जाएंगे। सूरज, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा वोट्स थे आपके अगेंस्ट, ऑब्वियसली आपको अगर कैप्टन बनाया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये डिसाइड करेंगे कि कैप्टन कौन बनेगा। मैं चाहता था कि सूरज बन जाए किसी तरह से कैप्टन, तो मैंने सूरज का नाम लिया कि चल भाई ट्विस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो ट्विस्ट थोड़ा उल्टा पड़ गया। अनामिका का सिर्फ एक वोट है, लेकिन राहुल और देव के दो दो वोट्स हैं। इन दोनों में से एक कैप्टन बनेगा और वो बताएंगे आप। सोच लीजिए इनमें से कौन कैप्टन बनेगा। सोच लिया जी। सोच लिया, कौन बनेगा? देव। पता लगा सूरज भाई साहब मेरा नाम ले रहे हैं कैप्टनसी के लिए। लड्डू फूट रहे थे लड्डू। रोडीज 6 साल बाद यहाँ पहुंचा हूँ, आते ही कैप्टनसी जीती है। फाज देव कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, जिन लोगों ने लिखा होगा उनको पता लग जाएगा कि ठीक है यहाँ पे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं जीतूंगा। कई लोग नहीं सोचते, जो सबसे ज्यादा जिसको लूजर वोट्स आए ना उसको लगता है कि आपको कैप्टन बनना चाहिए। कैप्टन मैंने सबको बताया दिया था, मैंने कैप्टन हिंदी में बोलते हैं सरदार, सरदार। मैं कहा मैं सरदार हूँ, एक सरदार को सरदार बनाया, कोई गलत नहीं किया तुम लोगों ने, तो सरदार सरदार है, सरदार सरदार रहेगा। सरदार एक सरदार, खाली वो वाला सरदार नहीं, हेड है, हेड रहेगा। बेंगलुरु जो कि रोडीज 8 का पहला सिटी है, वहाँ के कैप्टन आप हैं, बेस्ट ऑफ लक। वाह, उसको चढ़ा के तालियां बजा दी। ऑलराइट, अभी मैं आपको कुछ और टाइम दूंगा, आप वापस जाइए अपने अपने कमरों में जाइए। आई सी यू गाइस लेटर। ये पूरा प्लान था, मेरे को पता था मैं कैप्टन बनूंगा। मैं चाहता था कि वो जो पहला स्क्रोल रूडीज का है वो मैं उठाऊं, और किसी को मैं ये चीज़ देना नहीं चाहता था, ये मैं खुद करना चाहता था, इसलिए मैंने किया। सब प्लान था ही। स्टुपिडिटी है इनकी बिल्कुल, तो उनको बनाया ना, वो बिल्कुल कैप्टन के लायक है ना, उनको भी होना चाहिए। हमें बताया गया कि आप अपने अपने रूम में जा सकते हो, आराम कर सकते हो, तो सारे हम दौड़े और अपने अपने रूम में चले गए। रूम के अंदर गए तो वहां पे एक और सरप्राइज, लावा का फोन। लोगों को देखा ही लगा आज तक टीवी में कि जब उनको गुडीज मिलती है कितने खुश होते हैं, आज पता लगा वो फीलिंग होती क्या है। हेलो देवा जी। हेलो। हां मम्मी बना दिया 100। क्या बोल रहा हूं? स्प्रे मिंट हम सारे अब तक यूज कर रहे हैं, सुबह सुबह बस उठ के स्प्रे मिंट मार के निकल जाते हैं। बहुत ऑब्वियस था कि मैं और रिने साथ रहेंगे, पर पता नहीं कहां से चांदनी बीच में टपक पड़ी। अच्छा लिसन, आई गेस दो लड़कियों को एक रूम शेयर करना, बिकॉज़ 3 रूम्स आर देयर। ठीक है तो जाओ। वो मुझे आके बोलने लगी कि तू किसके साथ रहेगी, और मैं और रिने एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। डूड तू बीच में आ गई है, तू किसके साथ रहेगी? रिने ये बता अभी तू सोएगी कहां बीच में? मैंने कहा इस चीज को यही क्लेरिफाई कर दो, बिकॉज वी आर ए रूममेट, हम रूममेट है, हमारी बॉन्डिंग टूटेगी, बाहर वाला जरूर घुसेगा, एक हाथ को खींचेगा,
अपने आप ही स्प्लिट हो जाएंगे। अवतार आया इन द रूम ऑफ गर्ल्स जहाँ पे हम मोस्टली सारे बैठे थे, और मेरे को और सुचित को उसने हवा चढ़ाने की शुरू कर दी कि हाँ भाई जब करिश्मा मिलेगा तुम्हारे साथ कौन लड़की बैठेगी। रोडीज वालों से एक चीज पूछ रहा हूं, कुछ एक बाइक में दो लड़के बिठा सकते हैं क्या? दो लड़के आप अपने आप बैठ जाएंगी, तुम्हें क्या टेंशन है? चल यार दो लड़की सुंदर है तो नाटक करते हैं, सुचित को खींचते हैं, इसको बोलते हैं ये लड़की तेरे पीछे बैठेगी या वो लड़की तेरे पीछे बैठेगी। हाथ से लड़की निकल ना जाए इसलिए बंदा डेस्परेट हो गया। वो लोटा होता है ना जिसे घुमाओ और डग 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 डग, तो सुचित को ऐसी दो सिचुएशन में घुमाया गया है कि भाई तू आंचल इस तरफ है और भाई तुम्हारी चांदनी इस तरफ है। इसको पूछ लो किसको बैठा रहा है, किसको बैठा रहा है। मुझे इस बार कुछ नहीं पता, मैं कॉइन पकड़ा, मैं सुचित भाई कौन पीछे बैठ, किसको पीछे बिठाओगे? सिक्का ले आओ, सिक्का हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड चांदनी टेल्स आंचल। अब ओए 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 हेड टेल क्या था? हेड जाया और हमने रखा था कि हेड जाएगा चांदनी। मुड़ी ऑफ हो गया मोहित, हम सब वेट कर रहे थे कि कब हम सोने जाएंगे कि सडनली हमारे पास एक स्क्रॉल आया। We were very excited क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्क्रॉल था। रोडीज आपको अपना पहला स्क्रॉल मुबारक हो, तालियां। It brings good news. है तक राइड करने से पहले it's time to celebrate. आधे घंटे में तैयार होके होटल के स्टेडियम में आ जाइए। And don't forget your dancing shoes. बहुत मस्त फीलिंग आई कि स्टार्टिंग ही पार्टी से होने वाली है रोडीज के फुल टू मस्ती टाइम। हम जब पार्टी में पहुंचे तो एक बहुत ही ग्रैंड सेटअप वहां पर था हमारे लिए, बहुत ही अच्छा हर मतलब ऐसे से आग लगी हुई थी, मशाल सी जल रही थी। We were feeling like celebrities this year. It was, you know, very heartfulling, you know. सारे अपने आप से काफी खुश थे कि हम यहां तक पहुंचे हैं। आज ये रोडीज का नशा है, बस एक पेप्सी का पैक मारा पटियाला फाड़। चांदनी काफी हॉर्नी डांस कर रही थी। मोहित बड़ा लड़कियों में थोड़ा चिपक रहा था, आंचल की तरफ ज्यादा फॉरवर्ड हो रहा था, आई कॉन्टैक्ट चल रहे थे डांस में भी इनके। सच में जब मैं डांस कर रहा था वो बहुत ही सुपर्ब डांस कर रहा था, and मैं उसको I really appreciate his dance. सुचित का काटना था, छवियां बना लिया उसको, वो सोच रहा है कि मैं MJ बन गया, MJ इस तरह की छवियां बना के नचा रहा हूँ मैं। बट वहाँ पे अवतार जी अपनी कमेंट कर रहे थे ये क्या है पाजी, ये क्या है, तो कोई भी कर ले। बट मेरे उस टाइम दिल में आया था कि भाई साहब बाबा की करके दिखाते क्यों नहीं है जरा हमें, अगर कोई भी कर सकता है तो। एक हमारे कहीं पेड़ से कूदे हुए बंदर आए, राहुल। तो मैं पार्टी में गया तो मैंने पहले ही कह दिया था भाई पार्टी में अगर चल पड़े हिंदी गाने तो भाई तो नाचेगा भाई। नोटिस करना ना करना बहुत मुश्किल था। वो उसी स्टेप में सबको लात भी मार रहे हैं, सबके पैरों के ऊपर भी चढ़ रहे हैं। आई थिंक दो तीन लोगों को चोट लगी, कुछ लोग घायल हुए। राहुल का कुछ डांस अजीब था, बस शुरू करते थे एक कोने से खत्म कहीं और होता था। तेरा वोट मेरे को नहीं चाहिए होता ना, ये झापट मारता अरे डांस पूरा निकाल देता मैं, चलना कूदना। डांस कर रहे थे सब लोग, एंजॉय कर रहे थे, सामने से एक बंदा चलता हुआ आ रहा है, देखा
जो रणविजय रणविजय आया, उसने भी हमारे साथ इंट्रोडक्शन किया ऑन द डांस फ्लोर। सब एक साथ हो, मैं भी हूं एंड यू गाइस आर लुकिंग गुड। लेट्स टेक अ नाइस पिक्चर, कम ऑन। नोबडी स्माइल्स, द रोडीज एटीट्यूड। टेक अ पिक्चर ऑफ देम। आप लोग सब एक साथ, यू गाइस आर लुकिंग गुड, या एंजॉयिंग योरसेल्फ। पार्टी तो अभी शुरू हो गई। सीधा पर्दा नीचे गिरा और पीछे से लाइट्स आई और एकदम मैंने देखा और सबने पता नहीं किसने पहले देखा और मैंने जैसे देखा लाइक ओह, मुझे औरों का नहीं पता बट मेरा जितना फीवर था धीरे 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 गाउन से लेकर पूरे सैंडल तक आ गया। मैंने कहा अब लगी आधा मोरल डाउन हो गया कि भाई अब क्या करें। दो आगे बंदे रघु राजीव। गाइस वेलकम टू योर वोट आउट। जो वोट आउट की प्लानिंग की उधड़ गई। वो जब हमने हेलमेट देखा सबसे पहले हमें पता था कि इस हेलमेट से आई डोंट नो कितने सिर प्रोटेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, पर हमारा फ्यूचर इसके अंदर है एटलीस्ट फॉर टुनाइट। एंजॉयड द पार्टी? अब तुम्हारी पार्टी खत्म, हमारी पार्टी शुरू। क्या सोचा था हम यहाँ पे तुम्हें नाचने गाने लाए, पार्टी करने लाए? जहाँ पे तुम लोग खड़े हो ना वहां रूडीज की लाशें बिछ चुकी हैं। अपने आसपास देखो, आप पोजीशन पे खड़े हो, आपके पीछे बाइक्स हैं, सामने वोट आउट हेलमेट है। यू बीन पार्टीइंग एट योर वोट आउट लोकेशन। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? शॉक्ड, शॉक्ड। बढ़िया। Welcome to Roadies. यहाँ से आज एक वोट आउट नहीं होगा, आप दो लोगों को वोट आउट करेंगे। आप एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए वोट आउट करेंगे। अचानक एक मातम सा वहाँ पे फैल गया, सारे लोग ऐसे ऐसे 12 बज गए सारे लोगों पे जैसे किसी की मौत हो गई हो वहाँ पर। तो ये है शॉर्टकट टू हेल और आपका शॉर्टकट शुरू होता है यहां से। बाकी रोडीज के कंपैरेटिवली ही इज वेरी वीक और उसमें इतना दम नहीं है इस जर्नी को सरवाइव करने के लिए। आई कांट स्टैंड दैट गर्ल। ये दोनों डिजर्विंग नहीं लगते। अगर ये दोनों यहाँ पे रहेंगे तो मेरे लिए खसरे से खाली नहीं है। मोहित तुम्हें तो एज अ कॉम्पिटिटर लगता है। भाई को ये टैग चाहिए मूवी स्टार बनने के लिए। उसे बात करने का कोई तरीका नहीं आता। ना कि वे रोडी के लिए आया हूँ यहाँ पे। वो ठीक है, वो रोडीज के लिए नहीं बना। ये दोनों यहाँ से हेलमेट सबसे पहले वोट प्राची और मोहित के खिलाफ। प्राची ये बताइए कि ऐसी क्या चीज कर दी आपने सुबह से आके कि आपके खिलाफ वोट आने वाले हैं? आपको पहले से बता रहा हूं। देयर इज समबडी हु प्रोबेबली डजंट लाइक मी एट ऑल। हु इज दैट? रिने। She made a fantastic comment the moment I entered, so it makes sense. क्या comment था? मुझे देखते ही उसने hi, hello कुछ नहीं किया, not even a smile. उसका first word था Prachi, your fashion sense is horrible, something like that. So she doesn't like me, I know that.
इट वॉज नथिंग लाइक दैट बिकॉज हमारी एक आने से पहले कॉन्वर्सेशन हुई थी, फ़ोन कॉल हुई थी, जहाँ पर मैंने इससे पूछा था तुम्हें क्या सोच के रोडीज़ के लिए सिलेक्शन हुआ है, एंड इसने अपने आप बोला था कि मैं बहुत नौटंकी हूँ, मैं बहुत मेकअप उठ करती हूँ, एंड जिसने एंट्री ली तो मुझे लगा शायद कुछ मेकअप होगा, बिकॉज उसने अपने आप बोला था कि शी इज़ अ नौटंकी. आई डिडंट यूज़ दैट वर्ड. नाउ इफ शी इज़ मेकिंग अप स्टफ, आई डोंट नो. आप कोलकाता से सेलेक्ट हुई हैं, आप सेलेक्ट हुई हैं दिल्ली से. हाउ डू यू हैव ईच अदर्स फोन नंबर? आई डोंट नो, शी कॉल्ड मी अप. यहाँ पे काफ़ी लोगों ने एक दूसरे से कॉन्टैक्ट किया है, ठीक है. मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल नहीं बोल सकती बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, बट पर किया है लोगों ने कॉन्टैक्ट. यस, एंड वेरी गुड, रिमेंबर व्हाट यू सेड. ओके, लेट्स मूव ऑन, आई विल कम बैक टू दिस. अगला है प्राची और सूरज के लिए. मोहित, प्राची, हिट कपल बन गए आप, आपके नाम बार बार आ रहे हैं. अगला वोट प्राची और सूरज. प्राची, अगला वोट आपके अगेंस्ट नहीं है थैंकफुली. अवतार एंड रेने, क्या हो गया रेने, आपके अगेंस्ट भी एक वोट है, किसने किया होगा ये? प्राची ने किया होगा. हाँ, एज वो काफी टाइम से दोहरा रही है इस चीज को, रिने 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 रिने. तो अवतार, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे आप वोट? बोलता था ना मैं मजाक कर दो अपनी तरह से, उनको लगता है बेइज्जती करता है, तो शायद इसलिए कर दिया होगा. अगला वोट अवतार एंड आंचल. अगला वोट राहुल और प्राची. राहुल, बड़े कंफ्यूज लग रहे हो यार. सर कर दिया होगा सर किसी ने. हाँ कर दिया होगा किसी ने. क्या कर दिया है भाई, ये देखा हुआ है. कर दिया होगा नहीं? नहीं कर दिया. हाँ कर करा तो है, तो तभी लिखा हुआ है. किसने किया होगा? आपने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया. क्या हो गया आपके साथ? सर शायद नाचते हुए किसी के ऊपर पैर वैर लग गया हो, नाराज. मैं एक सलाह तेरे को दूंगा, आज तो बच गया तो नाचना छोड़ दियो, यहाँ पर नाचे मत. नेक्स्ट वोट मोहित और चांदनी. अगला वोट आंचल और सुचित. अगला वोट वेने और सूरज के. लास्ट वोट वेने एंड राहुल. व्हाट आर द फाइनल स्कोर्स? प्राची 5, बाकी सब लड़कियां सेफ हैं, और बॉयज में 4 लड़कों के 3-3 वोट्स हैं. अवतार, सूरज, मोहित एंड राहुल. सच अ बिग टाई. सबसे पहले रेने और प्राची, आप अपनी जगह बदल लीजिए. अभी एक लड़का है जो आपको ज्वाइन करने वाला है, जो इन चारों में से डिसाइड होने वाला है कि इन चारों में से कौन सा एक लड़का जो वोट आउट होने वाला है. चार लोगों के बीच में कैसे डिसाइड करें? क्यू कार्ड्स मंगाएं? क्यू कार्ड्स मंगाएं? ऑलराइट, मेरे पास 4 क्यू कार्ड्स हैं. जो कैप्टन बनता है उसके हाथ में बहुत सारे डिसीजन होते हैं. आप डिसाइड करने वाले हैं कि इन चारों में से कौन प्राची के साथ जाकर खड़ा होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि राहुल आपको कुछ बोलना है जाने से पहले, जस्ट इन केस यू आर वन ऑफ दीस पीपल. सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा. काफ़ी सुन लिया, थैंक्स. नेक्स्ट. मैं निकल भी गया तो ऊपर वाला मेरे को एक चांस जरूर देता है. मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं निकल गया ना मैं उस बंदे की दूंगा जिसने मेरे को आज निकालने की कोशिश की. जो बंदा मेरे को पहचान नहीं सका आज, वो ऊपर बैठे ना, एक चांस तो मिलेगा. मैं सच में बोल रहा हूँ, उसकी के हाथ में दे दूंगा उस बंदे की. यार तू ना सबकी लेता है, बड़े मजा आते तेरे को. मैं मजाक में लेता हूं. अभी अगर तेरा नाम निकल गया ना, किसी ना किसी ने तेरी ऐसी लिया बेटे, तू रोएगा और सब हंसेंगे तेरे पे. कैप्टन देव, आप यहाँ पे आएंगे, ये सब 4 नाम है, उनमें से एक आप निकालेंगे. और गाइस, आप चारों में से एक लड़का जो यहाँ से वोट आउट होने वाला है, जिसको वोट आउट किया गया है, उसका नाम है अवतार. अवतार जैकेट उतर गया,
क्या हो गया? गर्मी आ गई। हाँ? शरीर में गर्मी आ गई थोड़ी। तेरी चड्डी भी उतर चुकी है बेटे। जितने भी यहाँ पे रोडीज हैं, उन लोगों ने वोट किया और लड़कियों में प्राची और लड़कों में अवतार। You've been voted out. क्या कहना है आपको अवतार इसके बारे में? भाई बहन वही होते हैं जो घर पे हैं। यहाँ पे सब अपने लिए हैं। मैं भी बोल रहा हूँ मेरे को ऊपर वाला एक मौका देगा और मैं के जाऊंगा सबकी। इनकी बजेगी, इनकी फटेगी। प्राची, मैं फर्स्ट डे में निकल के जा रही हूँ। दिस इज द मोस्ट टेरेबल थिंग दैट कुड हैपन यहाँ पर आने के बाद। किसी को कुछ बोलना चाहेंगे जाने से पहले? रिने मेरे को बहुत ही अजीब टाइप की लड़की लगती है। ठीक है, यू पीपल हैव वोटेड मी आउट, बट जस्ट बी केयरफुल ऑफ हर। मैंने तुम्हें एक जगह पर टोका था प्राची और बोला था कि रिमेम्बर व्हाट यू सेड। आपने उस टाइम क्या बोला था? आपकी फोन कॉन्वर्सेशन हुई थी रिने के साथ। आप लोगों को ऑडिशन के टाइम पे क्या बताया गया था? सूरज, क्या बताया गया था आपको? ऑडिशंस के टाइम पे बताया गया था कि नंबर्स डिलीट कर देना है और अगर हम लोग अगर सारे लोग स्मार्ट है अगर पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पकड़े गए बेटे। अब प्रॉब्लम देख, इतने शाणे हो तुम लोग, बताने के बावजूद क्या सोचा तुमने? प्लानिंग कर लो, किसी को पता नहीं चलेगा। You're all who the f- do you think you are? तुम्हारा भेजा है ना, कान के रस से निकाल के तेरे से अंदर डालूंगा। अभी गौर से देखो इन दोनों को। ये वो हैं जिन्हें तुम दोनों ने यहां से वोट आउट किया और ये बैंगलोर से वोटेड आउट होके नहीं जा रहे। इनफैक्ट ये दोनों इम्यून है। कल एक टास्क होगा जहां पे तीन लड़के और तीन लड़कियां कंपीट करेंगे। जो तीन लड़के चुनेंगे जो ये टास्क करेंगे वो अवतार चुनेंगे, और जो तीन लड़कियां चुनी जाएंगी वो प्राची डिसाइड करेंगी। तो जिन तीन लड़के और तीन लड़कियों को ये लोग नॉमिनेट करेंगे उनमें से ही कोई ना कोई जाएगा। इसका मतलब जिसके खिलाफ तुमने गेम खेला था ना, इन दोनों के खिलाफ खेला था, तुम्हारे किस्मत इनके हाथ में। तेरे को मौका चाहिए था अवतार, कर दे जो बोल रहा था। कल टास्क पे तुम बताओगे जिन्होंने तुम्हें काटा है ना वो अब चाटेंगे। इफ आई वॉज यू अवतार, आईड मेक देम बैग, आईड मेक देम डू अ लॉट मोर थिंग्स व्हिच आई कांट टॉक ऑन टेलीविजन। शॉर्टकट टू हेल, यू क्रिएटेड योर ओन हेल। आई विल मेक इट सो हॉट फॉर यू गाइस। अवतार तेरी पार्टी शुरू है। प्राची, जॉय पार्टी टाइम, एक्सपेक्ट करते रहो, राइट? ऊपर वाला जो है ना साथ तो देता ही है हर बार मेरा, अब की बार भी दिए के जाऊंगा इनकी। जो मेरे अगेंस्ट जिन्होंने वोट किया है मैं उन्हें ऑब्वियसली फॉरगिव नहीं करने वाली। होप आई तो उनसे रिवेंज डायरेक्टली वन ऑन वन लूंगी और उन्हें मैं परेशान करके छोड़ दूंगी। दैट इज डेफिनेटली अ फैक्ट। कुछ अपनों ने धोखा दे दिया, जिसको वोट करने को बोला उसको किया नहीं, मेरे को शायद कर दिया उल्टा। अपने बंदे दगा देने वाले हैं उनको तो छुट्टी। स्ट्रैटेजी यही रहेगी सेफ होने के लिए कि अवतार वैसे मेरा फ्रेंड है, उसको ये भरोसा दिलाऊंगा कि मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैंने उसके खिलाफ वोट नहीं करा है। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने आप को इम्यून कर पाऊँ कल, एंड आई विल बी फ्रेंड्स विद देम। Ha ha ha!